शादी के बाद क्या होता है, स्पेशली अगर लड़की वर्किंग वूमेन है तो शुरुआत में इस लाइन से करना चाहूँगी, मेहंदी काजल हल्दी कुमकुम, मेहंदी काजल हल्दी कुमकुम, कितने तो रंग हैं दुनिया में, मैंने तुम्हें चुना और सबको मिलाकर रख दिया। क्या बात। तो शादी के बाद की कहानी है। हाँ मैं समझती हूँ, हाँ मैं समझती हूँ, पर जब मैं अपना घर एक पल में छोड़कर आ गई और मेरी दुनिया एक पल में बदल गई, इस बात को क्या तुम समझते हो? हाँ मैं समझती हूँ, पर जब मैं अपना घर अपना परिवार एक पल में छोड़कर आ गई और तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं एक पल में बदल जाऊँ, इस बात को क्या तुम समझते हो? मेरे मामा पापा की दुलारी थी मैं, और वही प्यार मैं तुमसे तुम्हारे परिवार से पाने का हक भी रखती हूँ, और इतने के बाद अगर मुझे वो प्यार ना मिले, इस बात का दर्द क्या तुम समझते हो? तुम चाहे जब अपने दोस्तों के साथ घूमो पार्टी करो, करोगे ही नौकरी में जो हो, पर जब उसी नौकरी में मुझे तुम्हारे परिवार के लिए नाश्ता खाना बनाना पड़ता है और शाम में आकर वही दोहराना पड़ता है, इतने के बाद भी अगर कोई मुझे अपनी बेटी ना माने, इस बात का दर्द क्या तुम समझते हो? मेरे भी दोस्त हुआ करते थे, पर उन गरिमाओं को समझती हूँ मैं, इस बात को क्या तुम समझते हो? अच्छा सुनो, आज बीवी मेरे दोस्त घर आएंगे, कुछ अच्छा बनाना, एक कप चाय ज़रूर पिलाना, माँ के पैरों में दर्द है आज ज़रूर दबाना, मेरे फ़र्ज़ मैं जानती हूँ जान, निभा भी लूँगी, पर इतने के बाद भी कोई मुझे अगर अपनी बेटी ना माने, तो इस बात का दर्द क्या तुम समझते हो? मुझे याद है एक चाय की प्याली और एक बिस्किट देने पे भी मेरे पापा कितना खुश हो जाया करते थे, और अब जब 9 पकवान बनाने के बाद एक में नमक कम रह जाए तो मेरी परवरिश पे सवाल उठते हैं, माँ ने क्या सिखाया, मायके से क्या पाया, ऐसे सवालों से मैं रोज़ गुजरती हूँ, इस बात का दुख क्या होता है क्या तुम समझते हो? जब मैं कभी छुट्टी ले लूँ और सोचूँ कि कुछ पल अपने बचपन में बिता लूँ, तो जिम्मेदारियों के नाम पर मुझे वापस आना पड़ता है, मैं आती हूँ और आऊँगी भी, पर क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तुम इसमें मेरा साथ निभाओ, कुछ वक्त मेरे साथ बिताओ, मेरे घर आकर वहाँ का बेटा बनकर दिखाओ, क्या बेटा बेटी के इस फ़र्क को तुम समझते हो? थैंक यू।